हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है रेवर खान और आज मैं आप लोगों को एक स्नैपशॉट की बहुत अमेजिंग ट्रिक बताने वाला हूँ। और ट्रिक कुछ ऐसी है कि आप जो है अब रॉ फाइल जो है वो भी एडिट कर सकते हैं स्नैपशॉट में। हालांकि ये तो बहुत पहले से था फंक्शन, लेकिन काफ़ी सारे क्वेश्चंस और काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं कि आप रॉ में क्यों एडिट नहीं करते। तो फ्रेंड्स, अगर जिसको नहीं मालूम कि रॉ फाइल क्या होती है, तो मैं बता दूं कि रॉ जो रहती हैं वो जेपैक जो आप नॉर्मल शूट करते हैं फोटोज़ DSLR से, तो वो और फ़ोन से भी जो शूट करते हैं तो वो जेपैक JPEG फॉर्मेट में रहती है, तो उसको जेपैक कहते हैं। वो जो है आपको जो फ़ोटो रहती है वो सिंपल क्लिक होके मिलती है, एक सब लेयर मर्ज होके मिलती हैं। और रॉ फाइल जो होती हैं वो होती हैं आपकी कुछ लेयर्स में क्लिक हुई फाइल। तो आप जैसे कोई फ़ोटो वगैरह लेते हैं, जब कोई लैंडस्केप शॉट लेते हैं, पोर्ट्रेट शॉट लेते हैं, तो तब वो रॉ जो रहती है फाइल काफ़ी हैवी फाइल रहती है, 19-20 MB की करीब रहती हैं। तो इससे होता क्या है रॉ से कि आपकी जो फ़ोटो है वो 3 लेयर में या फिर जितनी भी लेयर हैं उसमें क्लिक होती हैं और बहुत सारी डिटेल इसमें रहती है। आप बहुत सारी एडिट इसमें कर सकते हैं अपने हिसाब से, आप कलर एडजस्ट कर सकते हैं, आप ऑटो वाइट बैलेंस अपने हिसाब से रख सकते हैं और कैमरा करेक्शन लेंस करेक्शन अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो बहुत सारे फ़ायदे रहते हैं रॉ में एडिट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग तो ज़्यादा ऐसी एडिट करते नहीं फ़ोन से, इसलिए हमको रॉ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आप प्रोफेशनल हैं, अगर आप रॉ में फ़ोटोज़ लेते हैं तो उसको आप एडिट कैसे कर सकते हैं, स्नैपशीट में इम्पोर्ट कैसे कर सकते हैं, तो वही मैं आज मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप एक रॉ 2DNG एक एप्लीकेशन है, वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको, रॉ 2DNG। तो फ्रेंड्स, आप उसे प्ले स्टोर से ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ सर्च कर लेता हूँ, मेरे को मिल रहा नहीं है। जैसे ये देख रहे हैं आप, यहाँ देख रहा है आपको थर्ड नंबर में रॉ 2DNG। तो इससे आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी NFC फाइल फॉर्मेट को DNG फाइल फॉर्मेट में। अगर आप NFC जो भी फाइल फॉर्मेट रहता है रॉ का जो अपन क्लिक करते हैं, तो वो अगर आप डायरेक्ट इंसर्ट करेंगे तो स्नैपशीट में होगा नहीं। जब तक आप उसे DNG फाइल में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो वो इंसर्ट नहीं होगी, इंपोर्ट नहीं होगी। तो हम डायरेक्ट स्नैपशीट ओपन कर लेते हैं। तो हम जाते हैं सिंपली स्नैपशीट में और यहाँ हम प्लस में साइन में जाएंगे और यहाँ देखिए मेरे पास इमेज में MI ड्रॉप में 2 फाइल हैं। देखिए इनका फाइल फॉर्मेट देखिए DNG और ये सेकंड वाली का भी DNG और करीबन 17 MB की और एक 18 MB की है। तो हम ये दोनों में से ये वाली ले लेते हैं। तो ये मैंने खींची थी फुल रॉ में। तो देखिए यहाँ कुछ नए फंक्शंस जो हैं ऐड हुए हैं तो रॉ के, तो आप देख सकते हैं रॉ फोटो एडिटिंग नाउ अवेलेबल। नेक्स्ट करेंगे डेवलप टूल स्टार्ट ऑटोमेटिकली व्हेन यू ओपन अ रॉ फोटो। तो हमने डायरेक्ट देखिए रॉ फोटो इंसर्ट करें तो एक क्यून इमेज और रॉ का डेवलप ऑप्शन जो रहता है वो ओपन हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये थोड़ी देर लोड ले रहा है, तो ये काफ़ी हैवी फाइल है इसलिए थोड़ा सा लोडिंग हो सकती है आपकी, तो इसका वेट कर लेते हैं। मैं स्किप कर देता हूँ इसे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये इंसर्ट हो गई है, हमारा डेवलप ऑप्शन ओपन हो गया था लेकिन वो ज़्यादा ही लोड ले रहा था इसलिए मैंने उसे कैंसिल कर दिया। तो अगर आप फिर से डेवलप ऑप्शन खोलना चाहते हो तो टूल्स में जाइए, यहाँ देखिए सबसे ऊपर कॉर्नर में एक ऑप्शन आ गया है रॉ का, तो मैं इसमें सिंपली जाता हूँ। तो ये देखिए लोड हो गया है। अब सिंपली मैं इसे, रुक जाइए, पहले मैं इसे रोटेट कर लेता हूँ ताकि फ़ोटो थोड़ी सी अच्छी दिखे। तो फ्रेंड्स देखिए, ऑटोमेटिकली रोटेट हो गया और ये
एंगल सेट हो गया है, जो अपने प्रस्पेक्टिव है वो सेट हो गया है ऑटोमेटिकली। तो इसका फ़ायदा क्या है रॉ का? तो रॉ का फ़ायदा मैं दिखा देता हूँ। तो सॉरी, मैंने जो रोटेट किया था वो रॉ में काम नहीं करता, क्योंकि ये ओरिजिनल फ़ोटो जो है वो एडिट होती है, यहाँ पूरी लेयर्स एडिट होती हैं, तो इसलिए ये एक अलग ही ऑप्शन है डेवलप का। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ एक्सपोजर काफ़ी हाई और काफ़ी लो जो है ये है, और इसमें देखिए आप, इसका ओरिजिनल जो लाइटिंग है वो कंट्रोल हो जाती है रॉ में, जो आपकी लेयर हैं आगे पीछे वो सभी की लाइट्स एक साथ कंट्रोल होती है, और आप ये जेपेग में आप ये चीज़ नहीं देखेंगे। मैं इसका कंपैरिजन एक वीडियो में करके दिखाऊंगा, जो होगी आपकी सनसेट की कुछ होगी, तो मैं उसका कंपैरिजन करके दिखाऊंगा कितना अलग है वो रॉ फाइल। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ हाइलाइट्स भी हैं, आप हाईलाइट बढ़ा सकते हैं, शेडो वगैरह सब वही है। ये देखिए हाईलाइट पीछे की बस कम हुई है, और सेचुरेशन है फुल कर देते हैं। टेम्परेचर देखिए यहाँ काफ़ी जो है वाइट बैलेंस के हिसाब से टेम्परेचर यहाँ खुद ब खुद सेट हो गया कैमरे के सेटिंग के हिसाब से। तो हम इसे कम ज़्यादा देखिए यहीं से कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें इतना नॉर्मल रख देते हैं इसे जितना था ये। इसके बाद देखिए यहाँ वाइट बैलेंस, आप कलर पिकर जो रहता है फोटोशॉप में, जो प्रो यूज़र वो वाला ऑप्शन भी यहाँ ओपन हो गया है, और यहाँ अपने हिसाब से आप कुछ प्रीसेट से भी रख सकते हैं वाइट बैलेंस। एज अ शॉर्ट कर देते हैं हम, अच्छे ओके कर देते हैं। तो ये अप्लाई हो गया है। अब हम सिंपली जाएंगे टूल में, और यहाँ आप जो भी एडिट करना चाहते हैं इसमें बिल्कुल कर सकते हैं। एक रॉ का ऑप्शन का आपको मैंने बता दिया हूँ, तो अगर आपको इस पर कंपैरिजन की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कि मैं जेपेग और रॉ को कंपेयर करके बताऊं, एडिट करके बताऊं कि किस टाइप से ये होती है। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी मैं इसमें 2 इफ़ेक्ट या 3 इफ़ेक्ट डालूँगा जो मुझे इसको स्ट्रीट फोटोग्राफी में डालना है। तो मैं इसे HDR इफ़ेक्ट डालूँगा इसमें, फिल्टर स्ट्रेंथ पूरी रखेंगे। इसके बाद हम इसका सेचुरेशन फुल माइनस कर देंगे, ब्राइटनेस कम कर देंगे। तो देखिए यहाँ से सेचुरेशन पूरा माइनस कर दिए। इसके बाद हम इसे नेक्स्ट करेंगे, और इसके बाद मैं इसमें टोनल कॉन्ट्रास्ट का यूज़ करूँगा और इसकी पूरी डिटेल फुल कर दूँगा, ताकि ये जो है और स्ट्रीट फोटोग्राफी टाइप लगे। तो देखिए ये फ़ोटो बहुत हैवी फाइल की है, और ये उतने ही MB की सेफ होगी जितने MB की ये थी। तो मैं इसमें और डिटेल डालूँगा थोड़ी सी, इसको हम माइनस कर देते हैं स्ट्रक्चर को, और शार्प थोड़ा सा 50% रख लेते हैं। इसके बाद इसे ओके कर देते हैं, और इसके बाद टूल्स में जाएंगे, कर्व्स में जाएंगे, और यहाँ से RGB सिलेक्ट करके यहाँ से थोड़ा सा फेडेड लुक देंगे इसको फेडेड लुक देंगे। तो हम थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं इसमें, इतना ठीक है। वाइट फेड हमने इसमें डाल दी है थोड़ा सा। इसके बाद हम इसमें एक और इफेक्ट जो डालना चाहते हैं विग्नेट का, इसे इतना करेंगे, और यहाँ से इसे कम कर देंगे, आउटर इनर फुल कर देंगे। चलिए ये इतनी हो गई है, इसे ओके कर देते हैं। फिर इसे सेव करके मैं दिखाता हूँ कि ये कितने MB की फ़ोटो सेव हुई है। तो मैं इसे स्किप कर देता हूँ जब तक ये सेव हो रही, क्योंकि बहुत हैवी MB की जो ये फाइल है, और बहुत हैवी टाइम भी लगता है इसको सेव होने पर। तो मैं इसे स्किप कर देता हूँ। तो देखिए ये सेव हो चुकी है। अब हम जाते हैं सिंपली अपने गैलरी में, और इसकी हम डिटेल देखते हैं। तो यहाँ से देखिए इसका रिजोल्यूशन वही है, निकॉन D3300 से क्लिक हुई है, 92mm है, ISO 400 है, और 8MB की ये जो है फाइल है। तो फ्रेंड्स ये जो है रेजोल्यूशन बिल्कुल कम नहीं हुआ है इसका, बिल्कुल वही है, और आप इसको जितना जूम करना चाहते हैं उतना जूम कर सकते हैं, और ये बिल्कुल भी इसके पिक्सल जो हैं फटेंगे नहीं। तो फ्रेंड्स यही जो है
एक रॉ फाइल की खास बात होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग रॉ में शूट करते हैं तो प्लीज़ रॉ में करिए, क्योंकि रॉ में भी एडिट हो जाती, कई लोगों को बहुत दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैंने इसका जो है वीडियो बनाने की सोचा। क्योंकि मैं ज़्यादा रॉ यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है रॉ की, इसलिए मैं क्लिक भी नहीं करता, यूज़ भी नहीं करता। जब मेरे पास कुछ सिस्टम या लैपटॉप्स आएंगे, जब मैं लाइटरूम यूज़ करूँगा। और हाँ, लाइटरूम की भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ रॉ फाइल से रिलेटेड, तो आप वो भी देख लीजिएगा। और स्टे ट्यून रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, तो आप अगली वीडियो में बिल्कुल रॉ फाइल लाइटरूम में यूज़ करते हुए देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।